नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा ताजनगरी के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से रन फॉर आगरा का आयोजन किया गया, जो 4.5 किलोमीटर तक थी। गलन और कड़ाके की ठंड में सैकड़ों खिलाड़ी और भाजपा कार्यकर्ता मैराथन दौड़ में पहुंचे। राष्ट्रीय युवा दिवस और रन फॉर इंडिया के तहत शुरू हुई दौड़ को भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन हरी झंडी भाजपा के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने दिखाई। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुए मैराथन दौड़ एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर प्रतापपुरा, शहजाद मंडी और सदर बाजार होते हुए पुनः एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने भारत माता की जय का जयघोष किया। मैराथन दौड़ में महिला खिलाड़ियों की भी भागीदारी अच्छी खासी रही। बांदा के मुंबई गांव के पास तेज रफ्तार चौपहिया गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला देर मवई बुजुर्ग गांव के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार चौपहिया गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। वहीं कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक कार में सवार घायल सविता पत्नी मनोज निवासी पनगरा और रामानंद पुत्र गुराई निवासी परस थाना बेबुर कार में सवार होकर पनरगड़ा से बरेठी जा रहे थे। फिलहाल डॉक्टरों के द्वारा दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिरोजाबाद में शादी तय होने के बाद ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग से आहत युवती ने अपने घर के अंदर खुदकुशी कर ली और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। युवती की मौत के बाद परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दहेज की मांग ज्यादा होने से एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल फिरोजाबाद में शादी तय होने के बाद ससुराल वाले लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से युवती आहत हो गई और खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी लगातार उनसे कह रही थी कि ये दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मथुरा जिला कारागार में बंदियों पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। मथुरा जिलर की अच्छी पहल से मथुरा के कैदियों को जेल में काम भी मिल पा रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत लड्डू गोपाल की पोशाक बनाकर OLED बल्ब मथुरा जिला कारागार के जो कैदी हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपने घर का पालन पोषण भी कर रहे हैं। मथुरा के कैदी जिला मथुरा जेल से कमाकर अपने घर भिजवाते हैं पैसे और यहाँ से पूरा उनके घर का खर्चा चल रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत मथुरा के कैदियों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। तो बहुत अच्छी पहल है मथुरा में, जहां पर कौशल विकास योजना के अंतर्गत लड्डू गोपाल की पोशाकें कैदी बना रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर LED बल्ब जो है वो भी लगाया जा रहा है, ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इससे कहीं ना कहीं एक ये भी कहा जा सकता है कि वो लाखों रुपये तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को भी चला रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मथुरा की, जहां पर जिला कारागार में जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। मथुरा जेलर की अच्छी पहल बताई जा रही है। मथुरा के कैदी काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें जेल में काम मिल रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये काम मिल रहा है, जहां पर लड्डू गोपाल की पोशाक बना रहे हैं। साथ ही साथ LED बल्ब भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो घर का पालन पोषण है कैदियों का, वो उनके पैसे से चल रहा है। उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। वहीं आज सुबह महाराजगंज जनपद के नौतवा कस्बे के रैन बसेरे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नेपाली व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक नेपाली व्यक्ति के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे नौतवा SDM ने बताया कि मृतक नेपाली व्यक्ति नशे में था और वो नौतवा थाना क्षेत्र के संपत्तिया में नशे में धुस सड़क पर गिरा हुआ मिला था। पुलिस ने उसको प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भेजा और देर रात फिर रैन बसेरे में शिफ्ट करवा दिया, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो महाराजगंज का एक पूरा मामला है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रैन बसेरों को
जो यात्री हैं उनके लिए खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ बवाल तब मच जाता है जब एक नेपाली व्यक्ति का श्रम मिलने से हड़कंप मच जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रात में ही उसे रैनबसेरा में शिफ्ट कराया था, लेकिन सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी नशे में था, किस वजह से उसकी मौत हुई है ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहारनपुर में खनन माफिया और बसपा एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति की कुर्क की गई। थाना मिर्जापुर पुलिस कुर्की के लिए पहुंची, वहीं मौके पर सामान की कुर्की की जा रही थी। इकबाल के खिलाफ 32 लाख हड़पने का आरोप है। अभी एमएलए कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया। आरोप है कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी में काम करने के पैसे नहीं दिए थे। थाना मिर्जापुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। कुर्की की सभी तैयारियां पूरी करके कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हाजिक बाल के ऊपर 50,000 का नाम भी घोषित है। कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस की बात करें तो खनन माफिया हो या अपराधी हो या गैंगस्टर हो, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ की जा रही है। ऐसे ही मामला सहारनपुर में देखने के लिए मिला है, जहां खनन माफिया और बसपा एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की गई। आज पुलिस पहुंची, थाना मिर्जापुर पुलिस कुर्की के लिए पहुंची थी। वहीं पूरी यहां पर छावनी में तब्दील पूरा इलाका नजर आया। मौके पर सामान की कुर्की की गई। आपको बता दें कि 32 लाख हड़पने का आरोप हाजी इकबाल पर है। साथ ही साथ एमपी और एमएलए कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया था। आरोप है कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी में काम किया गया लेकिन पैसे नहीं दिए, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। थाना मिर्जापुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। कुर्की की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कार्रवाई भी शुरू की गई। हाजिक बाल के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित है और कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद नजर आई। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही सीएम ने सड़क हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही अधिकारी को हर संभव मदद देने के आदेश दिए। बता दें कि आज सुबह 10 बजे जोरिया थाना क्षेत्र से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो हमीरपुर की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि हर संभव मदद होनी चाहिए। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा आज सुबह हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सड़क हादसे पे जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ था, जिसमें कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। कासगंज में स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कासगंज में रन फॉर इंडिया के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो कि 3.5 किलोमीटर तक थी। इस दौरान ठंड में सैकड़ों खिलाड़ी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मैराथन दौड़ में भाग लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं कासगंज से। आपको बता दें कि यंग इंडिया रन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। कासगंज की तस्वीरें हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर जो खुशी है वो युवाओं में साफ तौर पर देखी गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कासगंज में रन फॉर इंडिया के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3.5 किलोमीटर तक की ये दौड़ थी। कड़ाके की ठंड में सैकड़ों खिलाड़ी युवा मोर्चा कार्यकर्ता मैराथन दौड़ में भाग लेते हुए नजर आए। और अब खबर गाजीपुर से, जहां देवकली ब्लॉक के भवानीपुर ग्राम सभा में कुछ ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी हाल ही में ग्राम प्रधान नागेंद्र राम द्वारा नाली के ऊपर पटिया मानक विहीन लगाने से पटिया टूट गई। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा खेल का मैदान ग्राम सभा में बनवाया गया है, जिसमें ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगाई गई है। ग्राम सभा के कुछ लोगों का कहना है कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सचिवालय तो बन गया, लेकिन खुलता बहुत कम है और ग्राम सभा में साफ सफाई नहीं होती है, ना ही सफाई कर्मचारी आते हैं। इस बाबत बीडीओ देवकली धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया है, नाली का पटिया बन गया है और रही बात खेल के मैदान में लगी ईंट की, तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर का यह पूरा मामला, जहां पर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए हैं। दरअसल कुछ निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें गुणवत्ता नहीं थी, जिसकी वजह से ग्राम प्रधान पर यह आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि देवकली ब्लॉक का यह पूरा मामला है, जहां का भवानीपुर ग्राम सभा, जहां कुछ ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप है कि ग्राम प्रधान नागेंद्र राम
नाली के ऊपर पटिया मानक विहीन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पटिया टूट गई है। कुछ ग्रामीणों का तो ये भी कहना है कि ग्राम प्रधान खेल का मैदान ग्राम सभा में बनवा रहे हैं, जिसमें ईंट की क्वालिटी बहुत ही खराब है। ग्राम सभा के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सचिवालय है, लेकिन वो खुलता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना तो साफ सफाई है, ना ही यहाँ पर नालियाँ बनी हुई हैं, और ना ही कर्मचारी उन नालियों को जो बनी हुई हैं उन्हें साफ करने के लिए आते हैं। इस मामले को लेकर बी डी ओ देवकली धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जो भी मामला है उनके संज्ञान में है और नाली की पट्टियां बन रही हैं। दूसरी खेल के मैदान की बात है तो जो भी ईंट वहां पर लगाई जा रही है, जिस तरह के आरोप मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की जाएगी। प्रसिद्ध सामाजिक संस्था पंजाबी महासंगठन ने नुमाइश कैंप स्थित नवयुग पार्क में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया और युवा इकाई को समाज हित और देश हित में कार्य करने की शपथ दिलाई। लोहड़ी पर्व का शुभारंभ सर्वप्रथम सामूहिक गायत्री मंत्र के सामूहिक गायन से हुआ है। उसके पश्चात संजीव शर्मा ने अपने गीतों से पूरे सभागार में समा बांध दिया। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री मदन लांबा, कोषाध्यक्ष मुकेश मनचंदा, गोविंदर सिंह ने फन गेम खिलाकर पूरे सभागार में सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में संगठन संयोजक राकेश नरूला, रवि बख्शी ने पंजाबी लोकगीतों और पंजाबी टप्पों पर पूरे सभागार को थिरकने पर मजबूर कर दिया। तो सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोहड़ी की तैयारियां अभी से ही देखी जा रही हैं और धूमधाम के साथ लोहड़ी का पर्व लोगों ने मिलकर बनाया है। प्रसिद्ध सामाजिक संस्था है पंजाबी महासंगठन नुमाइश कैंप, जो नवयुग पार्क में स्थित लोहड़ी पर्व मना रही थी। युवा इकाई को समाज हित और देश हित में कार्य करने की शपथ भी दिलाई गई। शुभारंभ किया गया, सबसे पहले गायत्री मंत्र यहां पर बोला गया, सामूहिक गायन हुआ, उसके बाद संजीव शर्मा ने अपने गीतों से पूरा समा बांध दिया। कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंचे थे जिन्होंने तरह तरह की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। वहीं फतेहपुर में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर आवास देने का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधानों के द्वारा आवास दिलाने के नाम पर धन उगाही की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करते हुए कॉलोनी के नाम पर पैसे मांगने वाले प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे देवमई ब्लॉक के डारी बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के प्रधान के द्वारा मुख्यमंत्री आवास उनको मिला है। आवास मिलने के बाद प्रधान के द्वारा रिश्वत के रूप में पैसों की मांग भी की जा रही है और ना देने पर जो पात्रता है उसकी सूची से नाम काटने की धमकी तक दी जा रही है। फतेहपुर का एक पूरा मामला है जहां पर जिलाधिकारी से लोग मिले हैं, शिकायत की है कि वो जो पात्र हैं आवास के, उनका नाम उस लिस्ट में से काटने की कोशिश की जा रही है। फतेहपुर में केंद्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है आवास योजना, उसके तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, आवास देने का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर ग्राम प्रधानों के द्वारा आवास दिलाने के नाम पर धन उगाही तो की ही जा रही है, साथ ही साथ धमकी भी दी जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर आज एक शिकायती पत्र, कॉलोनी के नाम पर पैसे मांगने वाले प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे देवमई ब्लॉक के डारी बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया, आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास उनको मिल तो रहा है लेकिन आवास मिलने के बाद उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं रिश्वत के नाम पर और ना देने पर धमकी तक दी जा रही है कि उनका नाम जो लिस्ट में है उसे काट दिया जाएगा। वहीं टावा में अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर शिवपाल नाराज हो गए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने एसपी सिटी कपिल देव सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। शिवपाल सिंह यादव के सामने पीड़ित व्यापारियों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। धान की फसल की करोड़ों रुपए की बकायेदारी को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए। टावा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिवपाल यादव पहुंचे, किसानों को लेकर उन्होंने बात की है। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर शिवपाल नाराज नजर आए, जहां पहले किसानों पर बात कर रहे थे और व्यापारियों को लेकर भी लगातार वो मुखर हो चुके हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने एसपी सिटी कपिल देव सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। शिवपाल यादव के सामने पीड़ित व्यापारियों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। धान की फसल के करोड़ों रुपए की बकायेदारी को लेकर भी उनका कहना है कि उनका उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर का ये पूरा मामला है जहां पर एक पुनर्व सावंत नाम युवक ने साल 2009 में सहारनपुर के कई ज्वेलर से सोने के आभूषण बनाने के लिए सोना लिया और उसके बाद
सहारनपुर से कहीं बाहर फरार हो गया, जिसके चलते वादी द्वारा इस फरार अभियुक्त पुनर्व सावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। संबंधित मामले में अभिमन्यु मांगलिक एसपी सिटी सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार अभियुक्त को थाना नगर कोतवाली सहारनपुर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार करके लाया गया है। यह अभियुक्त सहारनपुर से फरार होने के बाद पश्चिम बंगाल में रह रहा था, जिसकी लोकेशन मिलने पर सहारनपुर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन अभियुक्त को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद अभियुक्त वहां से भाग निकला और महाराष्ट्र में जाकर छिप गया, जिसकी सूचना मिलते ही सहारनपुर पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से अभियुक्त को गिरफ्तार कर सहारनपुर लाया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त को आज जेल भेजा गया है। तो सहारनपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम पुनर्व सामद बताया जा रहा है, वो पहले ज्वेलर शॉप पे गया है, वहां से काफ़ी ज़्यादा सोना लिया, लेकिन गलत नीयत से उसने वापस ना कर ना उसके पैसे देकर वो भाग निकला। पहले पश्चिम बंगाल में रह रहा था, लेकिन जब पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो वो महाराष्ट्र पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली, पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद वहां से उसे लाया गया है। झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी मोट स्नेह तिवारी की पर्यवेक्षण में कोतवाली मोट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 6 तारीख की रात में चोरों ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आज मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह ने मोट कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर राम विनोद पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। वहीं मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि शीतला विद्युत गृह के पास बनी पुलिया पर 4 व्यक्ति बैठे हैं जो संदिग्ध मालूम हो रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों लोगों को दबोच लिया। वहीं जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने मोट कोतवाली क्षेत्र के रेप गांव में हुई चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर में एक दरिंदे ने 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया है। खेत में बदहवास हालत में मिली बच्ची की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें बता दें कि बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव किराड़ी खेड़ी इलाके में एक 10 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर काम करने के लिए गई थी। काम में हाथ बटाने के लिए महिला अपने साथ 10 साल की बच्ची को ले गई। इसी दौरान घात लगाए बैठे एक दरिंदे ने बच्ची को एक खेत में ले जाकर उसके साथ अभद्रता की और इस पूरी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। जब परिजनों ने बच्ची को इस हालत में देखा तो हर कोई दंग रह गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है, साथ ही साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 10 साल की मासूम को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया है। ये पूरा मामला जो है वो बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गांव किराड़ी खेड़ी इलाके में एक 10 साल की मासूम अपनी बच्ची के माँ के साथ बच्ची जो है वो खेत पर काम करने के लिए गई थी और काम में हाथ बटाने के लिए माँ बच्ची को ले गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ पर एक दरिंदा उसकी मासूम बच्ची को इस तरह से नोचेगा। फिलहाल जिसने भी इस घटना को सुना है हर कोई हैरान रह गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मासूम बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। आंगन में खड़ी रिक्शा के 4 बैटरी चोर चोरी कर रफू चक्कर हो गए। रिक्शा मालिक ने सुबह उठकर देखा तो रिक्शा से 4 बैटरी गायब थी। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। दरअसल बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गांव पेदी में बीती रात अज्ञात चोरों ने शहनवाज नाम के एक व्यक्ति के आंगन में खड़ी रिक्शा से 4 बैटरी चोरी कर ली और पुलिस को चुनौती देते हुए घटना को अंजाम दे दिया और आसानी से फरार हो गए। वहीं जब सुबह उठकर रिक्शा के मालिक ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, फिलहाल अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।